शिवपुरी 28 फरवरी 2022 उद्यान विभाग शिवपुरी द्वारा मानस भवन शिवपुरी में संभाग स्तरीय एक दिवसीय कृषक कार्यशाला का आज सोमवार को आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संभाग के 04 जिले शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर के लगभग 700 उद्यानिकी कृषकों ने भाग लिया। कार्यशाला में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष श्री प्रहलाद भारती, कोलारस विधायक श्री वीरेंद्र रघुवंशी, कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह, उद्यान संभाग ग्वालियर के संयुक्त संचालक श्री नरेश सिंह तोमर, उप संचालक उद्यान जिला गुना, सहायक संचालक उद्यान जिला शिवपुरी एवं कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश भार्गव, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आर एस जोनवार एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यशाला में मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि विभाग का लक्ष्य किसान के परिवार को रोजगार देने वाला परिवार बनाना है। साथ ही यह भी बताया कि जैविक खेती द्वारा किस प्रकार खेती एवं जमीन की आयु को बढ़ाया जा सकता है। मंत्री श्री कुशवाहा द्वारा मा प्र के आगामी उद्यानिकी बजट में और कौन से बिंदु जोड़े जाने चाहिए, इस हेतु कृषकों से सुझाव पूछे एवं उद्यानिकी की समस्त योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान के बारे में वृहद जानकारी दी एवं किसानों की आय दोगुनी करने एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन से लेकर भंडारण प्रसंस्करण के महत्व को बताते हुए उत्पाद के भंडारण एवं प्रसंस्करण हेतु विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के बारे में जानकारी दी। कोलारस विधायक श्री वीरेंद्र रघुवंशी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2003 से 2021 के मध्य किस प्रकार किसानों की आय एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे म प्र को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार किसान टमाटर की उन्नत खेती में मल्चिंग, स्टेकिंग एवं ड्रिप का उपयोग करके अधिक लाभ कमा सकता है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि कृषक उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी प्राप्त करके अच्छा उत्पादन तथा आय प्राप्त कर सकता है। उद्यानिकी से कृषक आय में सतत वृद्धि हो सकती है। संयुक्त संचालक उद्यान संभाग ग्वालियर द्वारा विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को कृषि एवं उद्यानिकी फसलों की तकनीकी खेती के बारे में जानकारी की दी गई। कार्यक्रम में मंत्री द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत वर्मी वेद एवं संकर सब्जी किट, संकर पुष्प किट का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में सहायक संचालक उद्यान श्री सुरेश सिंह कुशवाहा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। शिवपुरी मध्य प्रदेश से कपिल धाकड़ की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।